मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी केंद्रीय विद्यालय का विद्यार्थी हूँ और यही बगल में क्रिकेट में पढ़ता था मैं, और उस समय 11वीं तक थी और 11वीं के बाद हम डायरेक्ट डिग्री कॉलेज जाते थे और मेरा लास्ट बैच था और मेरा भाई जो है वो 10+2 का फर्स्ट बैच है, वो भी यही से पढ़ा है, वो वरंगल NIT का डायरेक्टर था, जो रायपुर NIT का डायरेक्टर है। तो हम सब विद्यालय जीवन जो है केंद्रीय विद्यालय से हमारा शुरू हुआ। और दूसरी बात यह है कि मैं भी एक शिक्षक परिवार से आ रहा हूँ, मेरे पिता जी के एक शिक्षक हैं, वो उस्मानाबाद विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग प्रोफेसर थे और PhD थे, तो इसीलिए शिक्षकों के प्रति जो मेरी श्रद्धा है, जो मेरा आदर है उनके प्रति, और केंद्रीय विद्यालय के प्रति जो मेरा जो एहसान है, क्योंकि तो मैंने यहीं से पढ़ा है, यहीं से मैंने सब कुछ सीखा है, तो इसीलिए आज मुझे ये अवसर यहाँ मिला आपसे बात करने का, ये खुशी का एक अवसर है बहुत। और मेरे पुरानी यादें जो स्कूल में पढ़ता था वो सब याद आती है। आज के जीवन में जो देख रहे हैं कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि शिक्षा देने के जो तौर तरीके भी बड़े हुए हैं, और हाल में वो कोविड के कारण वर्चुअल क्लासेस भी शुरू हो गए थे, आजकल बच्चों को क्लास में आने की जरूरत है। कल मैं एक कार्यक्रम में गया था, म्यूजिक कॉलेज स्कूल का एक एनुअल डे, वो बता रहे थे कि एक साल से वो स्कूल कहीं चलता नहीं, ओनली ऑनलाइन ही चलता है, सिर्फ साल में एक बार वो लोग मिलते हैं वो सर्टिफिकेट के लिए। तो आजकल क्लासरूम की जरूरत नहीं है, प्लेग्राउंड जरूरत नहीं है, रूम जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन में पूरे क्लासेस और विश्वविद्यालय में चल रहे हैं। तो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, तो इसीलिए सिखाने का और सीखने का तौर तरीके बदलते हैं। एक सबसे पहली बात यह है कि शिक्षक का जो दायित्व है, एक आने वाले दिनों में एक अच्छे एक सिटीजन को हम तैयार करेंगे, एक नागरिक को हमें तैयार करना है जो देश के काम आ सके, जो समाज के काम आ सके, क्योंकि और उस नागरिक के निर्माण में भविष्य नागरिक जो देश के लिए है वो निर्माण करना आपका दायित्व है, आपका काम है। तो हमारा जो शिक्षक का जो दायित्व होता है वो बहुत बड़ा दायित्व होता है और बहुत पुण्य दायित्व होता है। मैं बताया ये सेक्रेट ड्यूटी ऑफ एनी टीचर टू मोल्ड ए स्टूडेंट टू बिकम ए गुड सिटीजन इन फ्यूचर, ये हमारा एक दायित्व है। और रही बात आपके जो टीचर्स एसोसिएशन की, मैं जानता हूँ कि टीचर्स के कई समस्याएं हैं और उनके कई मांगे भी हैं जो सरकार से होती हैं, जो संगठन से होती हैं, और उनके लिए हमेशा एसोसिएशन को काम करना पड़ता है, उनका प्रतिनिधित्व करना पड़ता है और अपने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हर तरह से कोशिश की जाती है। समस्या बढ़ते रहती हैं, छिलती रहती हैं, बच्चों को पढ़ाना हमारा काम है, बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाना हमारा काम है। तो इस बैकग्राउंड में हमारे लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम देश और समाज के बारे में सोचें, चाहे कितनी भी समस्या हो, कुछ भी हो, यह देश आज हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में एक बहुत इम्पोर्टेंट देश हो गया, बहुत महत्वपूर्ण देश बना हुआ है। हमारे सामने जो समस्याएं हैं हम उसको हल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम बढ़ भी रहे हैं। आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे विश्व में भारत का एक जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके सबने सराहना कर रहे हैं, सब उसको आज अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम साइंस में टेक्नोलॉजी में आज हम चांद पर पहुँच रहे हैं, सूर्य की तरफ पहुँच रहे हैं हर तरह के माध्यम से, हम हर क्षेत्र में आज आगे बढ़े हैं और आर्थिक व्यवस्था में भी हम आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड। तो इसलिए हमें गर्व होता है कि हम इस देश के वासी हैं, इस देश में हम इस देश की सरकार से काम करते हैं। तो इसीलिए मैं यही समझता हूँ कि इतना जो इस समाज में इस देश में सबसे बड़ा जो दायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टीचर्स की होती है, क्योंकि ये बातें बच्चों को सिखाएं, अच्छी बातें सिखाएं, देश के हित में सिखाएं,
ताकि आने वाले दिनों में देश और सशक्त बने, एक पावरफुल नेशन बने। क्योंकि देश के नागरिक अगर अच्छे होते हैं, देश के नागरिक में अगर देशभक्ति की भावना होती है, तो देश और मजबूत बनता है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो टीचर्स एसोसिएशन है, टीचर्स अपनी समस्याओं के साथ साथ किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को आप बढ़ा सकते हैं, उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, उसमें प्रगति कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, उसके बारे में विचार करें। और मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा मैं आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका ये इंटरनल प्रोग्राम है, आपके चुनाव भी हैं इनके बाद, और कई तरह के आपके कार्यक्रम भी हैं आपके। तो मैं फिर एक बार आभारी हूँ आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपसे बात करने का मौका दिया। भारत माता की जय जय।